दोस्तों जो दूसरा नाम है पॉजिटिव लॉ स्कूल में वो एनरिको फेरी का आता है। एनरिको फेरी 1856 से 1927 तक रहे और उन्होंने जो जैविक वाला जो सिद्धांत था लोम्ब्रोसो का कि शरीर की बनावट और आंतरिक संरचना के आधार पर अपराधियों का पता लगाया जाता है, तो एनरिको फेरी ने कहा कि उस आधार पर न होकर जो व्यक्ति है उसकी संवेदनशीलता, सामाजिक अक्षमता और भौगोलिक स्थितियां डिपेंड करती है कि वो व्यक्ति अपराधी होगा नहीं। एनरिको फेरी ने आपराधिक संतृप्ति का सिद्धांत भी दिया। आपराधिक संतृप्ति से उन्होंने यह बताया कि कोई व्यक्ति के वातावरण ऐसा बन जाता है कि वह अपराध करने के लिए उसकी अनुकूलित परिस्थितियां ऐसी बन जाती है कि वह अपराध कर बैठता है। तो आपराधिक संतृप्ति का सिद्धांत उन्होंने दिया कि वातावरण ऐसा क्रिएट हो जाता है कि व्यक्ति अपराध कर बैठता है। लेकिन उनकी आलोचना इस प्रकार की गई कि जिस प्रकार से लॉ कॉज एंड इफेक्ट हम पढ़ते हैं ज्यूरिसप्रूडेंस एंड आईपीसी में, कारण और परिणाम, कि कोई अपराध को करने का कोई कारण होता है और उसका परिणाम होता है, तो उस आधार पर उन्होंने खंडन किया कि ये तो पहले से ही लॉ कॉज एंड इफेक्ट में ज्यूरिस में पहले ही बताया गया है, तो इसमें नया क्या है। दोस्तों इसके साथ ही उन्होंने अपराध के मुख्य तीन कारण भी उन्होंने बताए, जैसा भौतिक कारण, मानव शास्त्रीय कारण और सामाजिक कारण। और ये जो ऊपर मैंने संवेदनशीलता, सामाजिक अक्षमता, भौगोलिक स्थिति, ये लगभग मिलता जुलता, तो मुख्य उनके ये तीन कारण थे। दोस्तों आगे चलकर उन्होंने बताया कि अपराध कारण को समाप्त करने के उपाय। दोस्तों एनरिको फेरी की सबसे खास बात ये रही कि वो अपराध की मूल जड़ों के अंदर गए और उन्होंने कहा कि अपराध को खत्म करना है तो उसकी मूल जड़ों में जाना चाहिए। तो उन्होंने अपराध की रोकथाम के उपायों पर उन्होंने काफी ध्यान दिया, जैसा कि हमारे महात्मा गांधी जी भी कहते थे कि अपराधी से घृणा ना करके अपराध से घृणा करें। अपराध को खत्म करेंगे तो अपराधी तो वैसे ही समाज से खत्म हो जाएंगे। तो उन्होंने अपराध को कारण के समाप्त करने के 5 प्रकार के उपाय उन्होंने बताए कि जन्मतः अपराधी है तो जन्मतः अपराधी में वंशानुगत न होकर, लोम्ब्रोसो की तरह वंशानुगत न होकर उन्होंने बोला कि जन्मतः अपराधी को जन्म से ही ऐसी परिस्थितियां और वातावरण मिलता है कि वो अपराध कर बैठते हैं, तो उनको इस तरह से जज किया जाना चाहिए और उनकी रोकथाम के लिए उपाय करने चाहिए। उसी तरह उन्होंने कदाचनिक अपराधी के बारे में बताया कि ये ऐसे अपराधी हैं जो कभी कभी परिस्थितियां उस तरह से अनुकूल उन्हें मिलती है अपराध करने के लिए, तब अपराध करते हैं। भावावेशी में कई प्रकार के ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भाव के वेश में आकर अपराध करते हैं, जैसे किसी ने किसी के भाई का मर्डर कर दिया तो वह उससे बदला निकालने के लिए मर्डर करता है, तो भाव वेश में आके करते हैं। विक्षिप्त अपराधी, जो मैंने लोम्ब्रोसो में भी आपको समझाया था, विक्षिप्त अपराधी ऐसे होते हैं जिनकी शारीरिक बनावट या उसमें कोई विकृति होती है तो, और वो उचित और अनुचित का भेद नहीं कर पाते, उनको कारण और परिणाम के बारे में पता नहीं होता तो वह अपराध कर देते हैं, तो उस तरह के विक्षिप्त अपराधी होते हैं। इनके प्रति एनरिको फेरी ने कहा कि उदार की नीति अपनानी चाहिए, यही लोम्ब्रोसो भी कहते थे। लास्ट में एक आदतन अपराधी होता है। आदतन अपराधी को दंड से ही कंट्रोल किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे अपराधी होते हैं कि एक अपराध को करने के पश्चात इनमें और निडरता आ जाती है और वो और ज्यादा अपराध करते चले जाते हैं, तो इनको समाज से दूर रखकर या कठोर दंड देकर ही इनको खत्म किया जा सकता है। तो इस तरह से अपराध के कारणों को समाप्त करने के एनरिको फेरी द्वारा उपाय बताए गए और उन्होंने संवेदनशीलता, सामाजिक अक्षमता, कुल मिला के बाह्य परिस्थितियों के बारे में उन्होंने बताया कि बाह्य परिस्थितियां किसी व्यक्ति को आपराधिकता की ओर ले जाती है, अपराध की ओर ले जाती है। तो इस तरह से एनरिको फेरी का पॉजिटिव लॉ स्कूल में काफ़ी अच्छा योगदान रहा। और इसके बाद में हम राफेल गैरोफेले के बारे में पढ़ेंगे। आगे राफेल गैरोफेले को पढ़ने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें और मेरे साथ जुड़े रहें। इसी के साथ में मैंने लोम्ब्रोसो के बारे में बात की, तो सिसेर लोम्ब्रोसो का वीडियो मैं पहले ही बना चुका हूँ, उसको देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर मेरे लिंक को में जाकर देख सकते हैं, वहाँ पर आपको पूरा वीडियो मिल जाएगा, उसके बाद में आपको यह भी अच्छे से समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।